दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के एकमात्र सदस्य का चुनाव पूरी तरह से गलत है। आज का ये चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी लोकतंत्र को तार तार कर रही है। दिल्ली में नीत नए कारनामे किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिए कि रात तक चुनाव करा दिए जाए। मैं पूछता हूँ, ये क्या षड्यंत्र है? आखिर एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि चुने हुए लोगों से बने हाउस की अध्यक्षता भला कोई अधिकारी कैसे कर सकता है? चंडीगढ़ में कोई मसीह थे जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, उसी तरह एमसीडी कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के एकमात्र सदस्य का चुनाव पूरी तरह से गलत है। आज का ये चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी लोकतंत्र को तार तार कर रही है। दिल्ली में नीत नए कारनामे किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिए कि रात तक चुनाव करा दिए जाए। मैं पूछता हूँ, ये क्या षड्यंत्र है? आखिर एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि चुने हुए लोगों से बने हाउस की अध्यक्षता भला कोई अधिकारी कैसे कर सकता है? चंडीगढ़ में कोई मसीह थे जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, उसी तरह एमसीडी कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ।